दोस्तों आज के वीडियो में सीखने वाले अपस्टॉक्स ऐप कैसे यूज करें। इस ऐप में मैं आपको एक एक चीज फंड्स को ऐड करने से लेकर के चार्ट को देखना, शेयर ट्रेडिंग करना, बाय सेल करना बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाला हूं। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। अपस्टॉक्स ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि अपस्टॉक्स में आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको क्लिक करके वहां पे फॉर्म भर के विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। जैसे ही ऐप ऐप को डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद सेम आईडी पासवर्ड जो आपको मिला होगा आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज आएगा, उस आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके आप लॉग इन करोगे। तो जैसे ही आप स्टॉक्स ऐप को लॉग इन करोगे बिल्कुल ऐसा ही कि डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल मेरे नया अकाउंट का डैशबोर्ड है, बिल्कुल नया। और इसमें हम एक एक चीज़ कैसे काम करता है, इसमें हम कैसे शेयर्स को बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, पूरी की पूरी चीज़ हम इसमें सीखेंगे। चार्ट को कैसे देखना है ना, सारी सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है इसमें, यहाँ पे देखिए ऊपर जो तीन लाइंस आपको दिख रही जहाँ से इसका मेन्यू निकलता है, सबसे पहले ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर IPO। यहाँ पर जैसे किसी भी कंपनी का IPO आता है उसमें अगर आपको अलॉटमेंट लेनी हो तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सेकंड है अनाउंसमेंट्स, इनकी कुछ भी अपडेट, कोई भी चीज़ ऑफर्स वहाँ से आप देख सकते हो। नंबर थर्ड नंबर पे आता है कि अगर आपको अपना कोई सेगमेंट एक्टिवेट करना, मान के चलो आपने जब अकाउंट खोला आपने सिर्फ इक्विटी स्टॉक्स को एक्टिवेट किया, आप चाहते हो कि आप फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो थर्ड वाले ऑप्शन से आप उसको भी एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे जो जो सेगमेंट आपके एक्टिवेट होंगे वो आ जाएंगे, जो एक्टिवेट नहीं होंगे आप उसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में इक्विटीज़ एक्टिव है और मैं ऑप्शंस में भी इंटरेस्ट रखता हूँ तो ऑप्शंस भी मेरे एक्टिवेट हैं। कमोडिटीज़ को मैंने एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि मैं कमोडिटीज़ में ट्रेड नहीं करता। अगर मेरे को कल को करना पड़ेगा तो मैं एक्टिव सेगमेंट कर पे एक्टिवेट सेगमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और यहाँ पे मेनूज हैं, टिकट आप कोई दिक्कत है कुछ भी है, इनकम प्रूफ अपलोड करना, ये सारी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे बहुत ही सिंपल है। लेकिन सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग करने के लिए आपको इसमें क्या करने पड़ेंगे, हमें फंड्स ऐड करने पड़ेंगे। फंड्स यहाँ पर देखोगे बिल्कुल जीरो रुपए हैं, तो एक डेमो के लिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 1000 रुपये मैं ऐड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहला काम यहाँ का नीचे बड़ा सा जो ऐड फंड्स का बटन वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितनी अमाउंट आपको ऐड करनी है 5000 10000 जो भी आपकी अमाउंट है वहाँ पे आप इसको डालोगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो भी आपने बैंक डिटेल्स दिया होगा अकाउंट ओपन करने के लिए वो बैंक डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, गूगल पे से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगर आप UPI गूगल पे यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करोगे 7 रुपीज़ आपको पर ट्रांजेक्शन चार्जेस मिलेगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे अकाउंट दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसमें मेरा UPI या मतलब नहीं है गूगल पे का, तो मैं नेट बैंकिंग से यूज़ करूंगा। नेट बैंकिंग क्लिक करके कंटिन्यू करूंगा, UPI पे करो तो UPI के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग के प्रोसेस यहाँ पे सिंपली अब मेरे को अपना जो अकाउंट है वह क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आईडी पासवर्ड से लॉग इन करके पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट करके फिर इस वीडियो को आगे प्रोसीड। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने आप पेमेंट किया यहाँ पे देख सकते हो अपस्टॉक्स पेइंग सक्सेस के यहाँ पे मैसेज आ गया है। तो इसको यहाँ पे बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पे कुछ ही टाइम में यहाँ पे देखो कि जो अमाउंट है अवेलेबल टू ट्रेड में ऐड हो गया, ऑलमोस्ट इंस्टेंट यहाँ पे ऐड हो गया, यानी कि अब मेरे पास 1000 रुपये अकाउंट में है जिससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अब चीज़ आती है कि ट्रेड में करूँगा कैसे। जैसे डैशबोर्ड में आते हो यहाँ पे आपको इंडेक्सेस दिखते हैं, जैसे निफ्टी 50 का क्या रेट चल रहा है, निफ्टी बैंक का क्या है। अब यहाँ पे मान के चलो मेरे को स्टॉक में ट्रेड करना, तो पहले क्या कि स्टॉक्स का मैं डाटा चेक करूँ, स्टॉक्स को मैं ऐड कैसे करूँगा। यहाँ पे वॉच लिस्ट के साथ में जो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन एरो है उसको क्लिक करूँगा और क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे करूँगा और यहाँ पे वॉच लिस्ट का नाम रखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी रख लेता हूँ, जैसे स्टॉक्स लिस्ट है ना, स्टॉक्स है ना, माई स्टॉक्स कर देते हैं वॉच लिस्ट का, माई स्टॉक्स, इसको सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे अभी स्टॉक्स ऐड करने हैं, है ना। स्टॉक्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि हम जैसे जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं वॉच करता हूँ, ट्रेड करता हूँ इसमें, HDFC हो गया, ठीक है, उसके बाद में रिलायंस का हो गया, यहाँ पे जो भी अच्छे जिनको आप मॉनिटर करना चाहते हो, यहाँ पे एयरटेल का हो गया, ऊपर फाइंड करना, नीचे साइड में ऐड वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड करते जाना है। जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पे देखो वो सभी के सभी स्टॉक्स यहाँ पे लिस्ट हो गए, है ना। अब जब आपको इंडेक्सेस देखने होंगे तो आप इंडेक्सेस पे कर लो, जब आपको अपना वॉच लिस्ट देखना स्टॉक्स का आप यहाँ पे कर लो, आपको वॉच लिस्ट दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है, जो भी बनाना आप यहाँ पे बना के उनको वॉच कर सकते हो। अब यहाँ पे चीज़ आती है कि यहाँ पे मैंने स्टॉक्स को फाइंड आउट कर लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 363 पे चल रहा है, इसको मैंने क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इसका मेरे को चार्ट देखना है। यहाँ पे देखिए ओवरव्यू में क्या है कि मुझे मार्केट डेप्थ मिल रहा है कि कितनी यहाँ पे बिडिंग है, कितनी यहाँ पे आस्क क्वांटिटी का क्या रेट है ना, सारी सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं। ऊपर देखोगे ओवरव्यू के साथ ही यहाँ पे चार्ट्स है, चार्ट्स के साथ ही यहाँ पे न्यूज़ आपको मिल जाता है, न्यूज़ के साथ ही आपको ऑप्शन चेन मिल जाता है। और ये जो दो चीज़ें न्यूज़ और ऑप्शन चेन, ये इतना आसान कर देता है आपको ट्रेडिंग का कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये चीज़ तो अब तक तो मेरे को कहीं पर नहीं मिला कि आपको एक ही डैश सारी चीजें मिल जाए जहां से आपको फंडामेंटल्स का भी पता चलेगा और ऑप्शन चेन से आपको ये पता चलेगा कि जो इसके फ्यूचर्स में ऑप्शंस में किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज्यादा मतलब ओपन इंटरेस्ट है, उसे हमको ये आइडिया मिल जाता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो एक अलग चीज है। देखिए हमें बेसिक चीज को कवर करना, तो यहां पे चार्ट देखना, तो हम सिंपली चार्ट में जाएंगे। चार्ट यहां पे देखिए पूरा चार्ट निकल गया है। जो भी यहां पे आपको स्टडीज लगाना है, यहां पे जो भी स्टडीज लगा सकते हो, RSI लगा लो, जो भी इंडिकेटर लगाना है, जो भी यहां पे सर्च करोगे सारे सारे इंडिकेटर्स, जैसे कि यहां पे RSI के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर RSI को लगा लिया मैंने, MACD बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहां पे सिंपली क्या करूंगा मैं स्टडीज में जाने के बाद सिंपली मैं इसको सर्च कर लूंगा तो इजीली मेरे को मिल जाएगा MACD, तो MACD इंडिकेटर भी यहां से एक्टिवेट हो जाएगा ना, ये नीचे देखिए वो भी लग गया। तो इस तरीके से इसको जूम आउट जो भी आप करना चाहो तो सारी सारी चीजें आप यहां पे कर लोगे। तब बाय और सेल करना, तो एक तो चार्ट के सेक्शन में आपको बाय सेल की ऑप्शन मिल जाती है, ओवरव्यू में जाऊंगा तो वहां पे भी नीचे मेरे को बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे को मान के चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स को बाय करना है, सिर्फ डेमो के लिए यहां पे मैं एक बार करके आपको दिखाता हूं मैंने क्या किया, बाय किया। बाय की यहां पे क्वांटिटी मैंने डाल दी, सपोज मेरे को 10 क्वांटिटीज लेनी, मैंने 10 क्वांटिटी डाल दी। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे क्या है कि सिंपल कवर ऑर्डर, यहां पे सिंपल ऑर्डर ही रखेंगे, कवर ऑर्डर हो गया या फिर OCU जो ऑर्डर है, ये चीजों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। यहां पे सिंपली आपको उसको सिंपल रखना है, ऑर्डर टाइप ये समझना जरूरी है, लिमिट रखना है आपको, SL लिमिट, SL स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस के ऊपर रखना है। तो यहां पे क्या करना है कि मेरे को सिंपल ऑर्डर टाइप क्या करना है, इसको मैं यहां पे मार्केट प्राइस के ऊपर लेना हूं कि जो मार्केट में रेट चले उसी के मेरे को मिल जाए। अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा, मान के चलो अगर 364 है, मैं चाहता हूं कि 363 हो तब खरीदूं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट में आने के बाद यहां पे हमको प्राइस डाल देना होगा भाई, यहां कितने प्राइस पे, मान के चलो मैं चाहता हूं 360 पे आएगा तब मैं लूंगा, तो वो प्राइस डाल दूंगा। लेकिन मेरे को यहां पे मार्केट करना है, यानी कि मार्केट में जो भी रेट अभी चल रहा है उसी रेट पे मेरे को 10 शेयर्स मिल जाए। प्रोडक्ट के सामने आता है डिलीवरी और इंट्राडे। इंट्राडे यानी कि मेरे को सिर्फ आज के लिए रखना है, तो मैं इंट्राडे करूंगा क्योंकि इंट्राडे में मार्जिन कम लगेगा। डिलीवरी मतलब मैंने आज स्टॉक खरीद लिया, मैं इसको हफ्ते 10 दिन के लिए रखना चाहता हूं, फिर मैं इसको डिलीवरी करूंगा, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ आज के लिए ले रहा हूं तो यहां पे इंट्राडे करूंगा क्योंकि मेरे इसमें पैसे भी कम लगेंगे। वैलिडिटी की बात आती है, वैलिडिटी में क्या है, डे और फिर IOC। IOC की मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल, या तो अगर स्टॉक में अच्छी क्वांटिटी मेरे को अभी के अभी जैसे मेरे को स्टॉक मिल जाए या फिर ऑर्डर कैंसिल। डे में क्या होता है कि मैंने इसको पूरे दिन का टाइम दे दिया कि जो भी मेरी यहां पे क्वांटिटी में खरीदा जो मेरे को एक दिन के अंदर भी एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन ये चीज वहां पे काम आती जहां जिन स्टॉक्स में मतलब कोई वॉल्यूम नहीं होता, बहुत मतलब खराब पैनी स्टॉक्स, तो वहां पे ये चीज काम आती है। अदरवाइज जो भी स्टॉक है अच्छे स्टॉक्स पे तो जैसे क्लिक मार उसी टाइम आपका यहां पे आ जाएगा अगर मार्केट रेट के ऊपर है। डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी क्या होता है, डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी इन केस मान के चलो आपको 10,000 शेयर्स खरीदने और एकदम से आप इसको बाय करोगे या लिस्ट करोगे तो क्या होता है कि आप लिमिट में लगाओगे तो जो दूसरे इन्वेस्टर उनमें एक हॉच पॉच हो जाएगी, अरे भाई इतना बड़ा ऑर्डर लगा मार्केट या तो बहुत ऊपर भाग जाएगा। तो यहां पे डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में हम क्या करते होते हैं, मान के चलो मेरे को 10,000 क्वांटिटी खरीदना है तो मैं डिस्क्लोज में क्या करूंगा, सिर्फ 1,000 डालूंगा। क्या उससे क्या होगा, सामने बंदों को सिर्फ 1,000 की कोई लिस्टिंग मेरी दिखेगी। ओके, ये सारी जब चीजें हो जाती हैं तो यहां पे अब आता है एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ऑर्डर, मेरे को पैसे कितने लगने वाले हैं। यहां पे 10 शेयर्स को खरीदने के लिए 728 रुपए लगेंगे, जो कि एक्चुअल में अगर मैं डिलीवरी लेता तो मेरे को यहां पे 3640 रुपए मतलब 3700 रुपए के देने पड़ते। तो यहां पे सब कुछ ओके है, इसको रिव्यू करेंगे एक बार, रिव्यू करने के बाद फिर से मेरे को सारी डिटेल दे देगा, उसके बाय बटन को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहां पे जो मेरा है ऑर्डर वो प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड के लिए मैसेज है, उसको मैंने अवॉइड कर दिया क्योंकि पासवर्ड सेव नहीं करना। ओके, अब ऑर्डर हिस्ट्री में देखो यहाँ पे ऑल आ गया, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट मेरा हो गया। जो ओपन ऑर्डर्स होंगे, अब जैसे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया या फिर कोई मैंने लिमिट लगा ली, वो ओपन में दिखाएगा, ठीक है, क्लोज्ड में और कंप्लीट जो हमारा कंप्लीट हुआ वो यानी कि क्लोज्ड ऑर्डर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो में अगर आप जाओगे तो एक तो आपको पोजीशंस बताएगा, एक आपको होल्डिंग्स बताएगा। जिन स्टॉक को आपने डिलीवरी में खरीदा होगा, जिसको आप होल्ड कर रहे हैं, उसकी डिटेल तो आपको होल्डिंग वाले में मिलेगी। पोजीशंस वाले में जो आपको इंट्राडे ले रहे हो फिर आप ऑप्शंस ले रहे हो, उसकी जो डिटेल्स आपको पोजीशंस वाले सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। पोजीशन में आपको यहां पे पोजीशन में ये बताता रहेगा कि अभी जो आपने शेयर लिया वो आपका प्रॉफिट में जा रहा है माइनस में जा रहा है। यहां पे 10 शेयर्स लिए, अभी देखो कभी 50 पैसे नुकसान में दिखा रहा है, कभी 1 रुपए प्रॉफिट में दिखा रहा है। अब यहां से क्या होगा, जब भी मेरे को लगता है यार कि हां भाई अब मेरे को प्रॉफिट सही मिल रहा है या मेरा स्टॉप लॉस पास में आ रहा है, स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया, अगर लगाया होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना।
अब यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन आता है एड मोर स्केयर ऑफ कन्वर्ट पोजिशन, इसको समझ लें। एड मोर अगर मेरे को स्टॉक्स और खरीदने हैं, स्केयर ऑफ जब इसको इसको बेच देना है, इसमें से बाहर निकलना, तो मैं स्केयर ऑफ करूंगा। कन्वर्ट पोजिशन क्या होता है कि आज इंट्राडे चल रहा है, मैंने 10 शेयर्स खरीद लिए कि प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट नीचे चला गया, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले कल परसों में शेयर बढ़ेगा, तो मैं कन्वर्ट पोजिशन में करूंगा। तो क्या होगा, जो मेरा इंट्राडे है मैं इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लूंगा, लेकिन वहां पे पैसे मेरे को पूरे शेयर्स की जितनी भी अमाउंट बनेगी वो पे करूंगा, तो जो मेरा इंट्राडे ऑर्डर है वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो मेरा सेम डे में बिकेगा नहीं, मैं उसको होल्ड कर पाऊंगा। ओके, तो स्केयर ऑफ पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे अगेन चीज आ जाती है कि आपको यहां पे भी कोई मतलब लिमिट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो जैसे सपोज आपको स्टॉप लॉस मार्केट की प्राइस के ऊपर लगाना है कि भाई यहां मैंने 364 पे खरीदना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट नीचे गिरने लगे, मैं 360 का यहां पे रखना चाहता हूं स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस में 360 डाल दूं, तो जैसे 360 पे जाएगा मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा। लेकिन मेरे को क्या करना, मेरे को बस भाई इसको तो मेरे को बेचना है, मेरे को इसमें से बाहर निकलना है, मुझे मेरा जितना प्रॉफिट है वो मेरे को मिल रहा है, तो सारी की सारी चीज़ मैं वैसे ही रखूंगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले मैंने बाय किया था, अभी मैं स्केयर ऑफ यानी कि सेल कर रहा हूँ, अगेन रिव्यू पे क्लिक करूंगा, उसको सेल बटन में क्लिक करूंगा और जो मेरी क्वांटिटी है वो सेल हो जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट भी हो गई है। पोर्टफोलियो में जाऊंगा तो यहाँ पे क्या है कि ना तो मेरे को कोई लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरे को ब्रोकरेज पड़ चुकी है। कितने ब्रोकरेज पड़ी होगी, 0.05%, यानी कि 700 के ऊपर 0.05 निकालोगे तो भाई कुछ बनेगा ही नहीं, अमाउंट ही नहीं बनेगा ना, इतनी कम ब्रोकरेज लग रही है इसमें। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 20 रुपये लगेगा, अगर अपने मानो 10 लाख की भी ट्रेड ले ली तो सिर्फ 20 रुपये की ब्रोकरेज लगेगी आपको अपस्टॉक्स में। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है, ब्रोकरेज के मामले में ये बहुत ही शानदार चीज़ है। कईयों में क्या कि फिक्स्ड है, चाहे आप 20 रुपये का ट्रेड लो, 200 का लो, 1000 रुपये का लो, आपको 20 रुपये लग जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपका छोटा ट्रेड है 0.05% के हिसाब से यहाँ पे आपको ब्रोकरेज लगेगी। ऑर्डर्स को भी हमने समझ लिया, स्टॉप लॉस भी लगाना समझ लिया, कैसे लगता है, पहले हमने शेयर को बाय कर लिया, उसके बाद हम स्केयर ऑफ में जाएंगे, उसको स्टॉप लॉस मार्केट पर लगा के उसमें ट्रिगर प्राइस डाल देंगे और जो ट्रिगर प्राइस होगा उसमें आपका क्या है स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमने सारी की सारी चीज़ें सीख ली, बहुत ही आसान है। कोई भी स्टॉक को देखना है उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे चार्ट आ गया, ओवरव्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है, पूरी पूरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। चार्ट मेन चीज़ होती है, चार्ट को देखना, तो आप यहाँ चार्ट देखो कुछ भी, इसमें आपको चार्ट को एडिट करना है, यहाँ पर सारे के सारे टूल्स आपको मिल जाती है, पेंसिल टूल आपको निकालना है, कोई लाइन बनाना है आपको, कोई ट्रेंड लाइन बनाना है, सारी की सारी चीज़ें आप इजीली आप स्टॉक्स में कर सकते हो। और बहुत ही स्मूथ ऐप है, अभी आप बिल्कुल लाइव देख रहे हो कि मैंने कितने अच्छे से यहाँ पर ट्रेड को लिया भी, बाय किया, सेल किया, कहीं पर कोई हैंग नहीं, बहुत ही फास्ट है। और अब तक जितने भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ऐप्स, सब में कुछ ना कुछ मेरे को लैग दिखता है, लेकिन इसमें कोई भी लैग मेरे को देखने को नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो थी हमारी कि अप स्टॉक्स ऐप कैसे यूज़ करें आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने को, डाउट क्वेश्चन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर से ज्वाइन करना, जिसमें आपको फ्री में ट्रेडिंग के गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बस लास्ट में यही बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलते हैं, बाय।